वेलकम टू माय चैनल श्री प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको भारत की स्थिति के विषय में बताएंगे। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, चलो दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों भारत विश्व के सातवें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। दोस्तों भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है परसेंटेज के हिसाब से। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। दोस्तों विश्व में उपलब्ध पीने के पानी का भारत में जो उपलब्ध पानी है उसका लगभग 5% उपलब्ध भारत में है। चलो दोस्तों देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है। दोस्तों हमारे यहाँ जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका नाम इंदिरा काल है। इसका विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट है। दक्षिणतम बिंदु है जो वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। दोस्तों चलो दोस्तों देखते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ कितना इसका विस्तार है। भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम विस्तार है जो गौर माता बिंदु है, ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद दोस्तों भारत का पूर्वतम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट है। पूर्वतम बिंदु का नाम किबूतु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों चलो देखते हैं भारत का मुख्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों जो भारत का बाउंड्री शेयर होता है स्थलीय सीमाओं के साथ वो 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद जो तटीय समुद्री क्षेत्र के साथ बाउंड्री लगती है मुख्य भूमि के साथ, उसका क्षेत्रफल 6,100 किलोमीटर है। दोस्तों उसके बाद पूरे आइसलैंड मिलाकर इसका क्षेत्रफल 7,516.6 किलोमीटर है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा उसके बाद तटीय सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा तटीय क्षेत्र की सबसे ज़्यादा सीमा किस स्टेट के साथ लगती है, समुद्र के साथ। सबसे ज़्यादा जलीय सीमा गुजरात स्टेट की लगती है, लगभग 1,680 किलोमीटर है जो जो पश्चिमी तट पर स्थित है अरेबियन सी के पास में। उसके बाद दोस्तों दूसरी जलीय सीमा सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश स्टेट की है जो पूर्वी घाट पर स्थित है आंध्र प्रदेश। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे यहाँ कौन कौन से देश के साथ बाउंड्री शेयर होती है। सबसे पहले हमारे देश के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान से सबसे बड़ी सीमा हमारे इंडियन स्टेट राजस्थान के साथ लगती है। उसके बाद पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों हमारे देश के उत्तर में चाइना स्थित है। चाइना के साथ किस किस स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है, चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बाउंड्री शेयर होती है। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे यूके जिसे उत्तराखंड कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे सिक्किम आता है। दोस्तों जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है जिसे चाइना इसे साउथ तिब्बत कहता है।
दोस्तों उसके बाद हम चलो देखते हैं म्यांमार के साथ हमारे देश का कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। उसके बाद नागालैंड दोस्तों यहाँ पे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मणिपुर है दोस्तों। उसके बाद मिजोरम जो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, लगभग 1600 किलोमीटर बाउंड्री हमारे देश के साथ म्यांमार की शेयर होती है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद मैं बताना चाहूँगा बांग्लादेश के साथ कौन सा इंडियन स्टेट बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। उसके बाद मिजोरम उस सॉरी दोस्तों उसके बाद मेघालय है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मेघालय स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद यहाँ पे असम स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे त्रिपुरा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद यहाँ पे मिजोरम स्टेट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों चलो हम देखते हैं उसके बाद तटीय सीमा कौन कौन से भारतीय स्टेट से लगती है। सबसे पहले यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा आता है, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, पूर्वी तट पे आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु आता है पश्चिमी तट पे, केरला आता है, उसके बाद कर्नाटक स्टेट आता है यहाँ पे पश्चिमी तट पे, उसके बाद गोवा आता है यहाँ पे, उसके बाद महाराष्ट्र आता है यहाँ पे, उसके बाद गुजरात स्टेट यहाँ पे आता है दोस्तों। चलो हम देखते हैं भारत के कौन से राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन से स्टेट का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान स्टेट का है दोस्तों। उसके बाद मध्य प्रदेश का है यहाँ पे। उसके बाद महाराष्ट्र का है यहाँ पे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। अब अंतिम में देखते हैं सबसे क्षेत्रफल किस स्टेट का कम है। यहाँ पे सिक्किम है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। उसके बाद हम देखते हैं किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारतीय स्टेट में सबसे अधिक है दोस्तों। उसके बाद महाराष्ट्र की आती है। उसके बाद बिहार की जनसंख्या आती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की आती है। सबसे ज़्यादा घनत्व किस स्टेट का है, जनसंख्या घनत्व 1028 वर्ग प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार का है सबसे ज़्यादा। उसके बाद वेस्ट बंगाल का आता है। उसके बाद केरल का आता है, केरल का है 860। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी तट पे सबसे ज्यादा किस स्टेट का जलीय सीमा है समुद्र के साथ। पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा जलीय सीमा है आंध्र प्रदेश की। चलो दोस्तों एक बार हम जितना बताएं इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत में उपलब्ध पीने का जल जो विश्व में उपलब्ध है पीने का जल उसका 5% है लगभग।
चलो दोस्तों हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण का कौन कौन सा बिंदु है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में डूब चुका है 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण। चलो हम देख लेते हैं पश्चिम में कौन सा बिंदु है। पश्चिम में गौर माता बिंदु है यहाँ गुजरात में। उसके बाद पूरब में किबूतु बिंद है जो अरुणाचल प्रदेश में है। चलो हम देख लेते हैं हमारे देश की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा शेयर होती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा है 4096 किलोमीटर। स्थलीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है जो सबसे अधिक स्थलीय सीमा भारत की है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद दूसरे स्थान पे चाइना है। सबसे कम भारत की स्थलीय सीमा यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ लगभग 16 किलोमीटर है। दूसरी सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा चाइना के साथ हमारे देश की शेयर होती है। दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।